लगभग झपक थोड़ी लचक लचक आया मटक मटक मैंने दिया पटक हो जाए। जी हाँ, फाइनल मुकाबला का पहला रेड आता हुआ धर्म के जोर से पहला रेड यहाँ पर। मैं एक बार जो अभी अभी आए हुए दर्शक को मैं पुनः एक बार अवगत करा दूं कि आज का ये अंडर 19 का फाइनल मुकाबला चलता हुआ बरफ के लावर से सलखन के पर। और जो कमेंट्री बॉक्स के राइट साइड में है, जो दाहिने साइड में है वो टीम है सलखन और लेफ्ट साइड है बरफ किला। और ये रेड केस नंबर 10 स्टेम के तेंदुलकर कहे जाते हैं। और जितने भी रेड इन्होंने अभी तक के मैं जितना भी मेरे सामने में मैच हुआ है 100% सफल रेडर कहूंगा मैं इस रेडर को सलखन का। केस नंबर 10 निश्चित रूप से पैनी नजर रहेगी सभी डिफेंडर की, इनके अपोजिट टीम बरफ किला की, क्योंकि ये रेडर एक चालाकी एक चतुराई और दिमागी का एक खुशनुमा पेश करते हैं। निश्चित रूप से एक अच्छी रणनीति के साथ एक टीम उतरती है, लेकिन यहाँ पर इस रेडर से भी बचनी होगी। जी हाँ, ये लेफ्ट हैंड रेडर भी है बरफ किला के एक मिस्टर मास्टर माइंड कहूंगा मैं, निश्चित रूप से एक अच्छा ऑलराउंडर है, पूरी तरह से राइट कॉर्नर को संभालते हैं और पूरा रेडिंग का दारुण दारुण के कंधों पर। जी हाँ, पुनः एक बार चेस्ट नंबर 10 सलखन की ओर से, हालांकि इन्होंने अभी परिचय में अपना नाम बताया था, मैं क्षमा चाहूंगा इनका नाम अभी मुझे याद नहीं, लेकिन ये रेडर एक बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते आ रहा है सभी मैचों में कहूंगा। निश्चित रूप से अपना 100% प्रदर्शन किया है इस टूर्नामेंट में और सफल हुआ है और उसके मेहनत का फल जो है वो आज की उसकी टीम पूरी फाइनल में। लेकिन यहाँ पर गलती डिफेंस द्वारा कितने रन, जी हाँ एक अंक, ऐसा लग रहा था कहीं मल्टी पॉइंट न मिल जाए, लेकिन मात्र एक अंक, एक ही डिफेंस आगे आया और बरफ के ला दो, एक सलखन एक बरफ के ला दो। और आवाज आई मार की और पूरा डिफेंस ने बाजी मारा, यहाँ पर लिया है पंगा और रेडर हुए धराशायी। पुनः डिफेंस और रेडर दोनों चलने स्टार्ट कर दी है बरफ केला। जी हाँ, बरफ केला एक अच्छी युवा टीम है, साथ ही साथ सलखन दोनों ही काफी दूर से ट्रेवल करके यहाँ पर आई है। यहाँ डबल थाई और स्लो टेकल, हल्का सा कहीं पे चोट लगी और वहीं पर ही। रेडर के जज्बे को सलाम है, इसके हौसले को सलाम है। निश्चित रूप से पूरा फिर से चार की डिफेंस, एक बार ऑल आउट का खतरा कहूंगा निश्चित रूप से, क्योंकि चार की डिफेंस है, दो दो भी चयन है, यहाँ रिवाइवल कराना होगा इस मैच में, वापसी करना है तो सलखन को, क्योंकि दो पॉइंट से पिछड़ती है। हालांकि ये फर्स्ट हाफ का खेल है, अभी कुछ कहना ज्यादा सही साबित नहीं हो सकता, क्योंकि ये कबड्डी का खेल है जहाँ सारे प्रिडिक्शन फेल है। अब पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कौन सी टीम जीतेगी या कौन सी टीम हारेगी, ये तो इस खेल का अंतिम सेकंड अंतिम पल ही ये तय करेगा कि कौन सी टीम इस मैच का विजय होगी, कौन सी टीम फाइनल के रूप में यहाँ पर विनर के रूप में यहाँ पर सामने आएगी इस अंडर 19 का। एक बार पुनः केस नंबर 8 बरफ किला की ओर से राइट हैंड रेडर ने टोटल मारा था ऊपर से बाहर से राइट कॉर्नर से और यहाँ दो चेन से फंसाया रेडर को और रेडर हुए धराशायी से बाजी मारी डिफेंस ने। अब इनके रेडर और डिफेंस दोनों चलना शुरू हो चुका है सलखन का और साथ ही साथ बरफ किला भी, मतलब कि कांटे का टक्कर देखने को मिलेगा हमें। और निश्चित रूप से आपको स्कोर बोर्ड में वही देखने को मिलता हुआ, महज एक पॉइंट की जद्दोजहद, एक पॉइंट से आगे और एक पॉइंट से पीछे। जी हाँ, हालांकि हार जीत का फैसला इसी से हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी काफी समय बाकी है तो कहना मुमकिन नहीं होगा कौन सी टीम बाजी मारेगी या कौन सी टीम, क्योंकि दोनों टीमों ने वही समय और वही टीम और वही सफर तय किया है और दोनों के लिए फाइनल का मुकाबला यहाँ निश्चित रूप से। थर्ड रेड डू और डाई, जी हाँ, एक बार पुनः समिति का यहाँ पर आदेश आता हुआ कि जो भी दर्शक बाहर से आए हैं यदि भोजन प्राप्त नहीं किए हैं या खिलाड़ी
या दर्शक, आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था रखी गई है, आप भोजनालय में जाकर भोजन प्राप्त कर लेते हैं। धन्यवाद। यहाँ सुपर टेकल ऑन है, जी हाँ, तीन की डिफेंस में खेलती हुई, यहाँ दो अंक कमाने का सुनहरा मौका है डिफेंस के पास, लेकिन क्या रेडर रिस्क लेंगे, जी हाँ ये देखना होगा। निश्चित रूप से जानते थे तीन की डिफेंस है तो रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी भी चेस्ट नंबर 3, जी हाँ जब तक ये कोर्ट पर मौजूद है सलकंड के, निश्चित रूप से रिवाइवल का एक आशा जो है बनी रहती है उनके टीम को। डबल टाई हो, जाते जाते अपने आप को घुमाया और स्पीड लाइन को क्रॉस किया और रिवाइवल दिलाने में सफल होते हुए फिर से एक अच्छी वापसी करती हुई। ये दोनों एक तरफ से बर्फ किला की ये प्लेयर आप देख सकते हैं और एक है सलखंड के मैदान में चेस्ट नंबर 10, दोनों के बीच कांटे का टक्कर निश्चित रूप से देखने को मिलता हुआ। दोनों अपने अपने टीम के लिए 100% खेल का प्रदर्शन करते हुए, लेकिन इस बीच डबल एंकल होल्ड डाई लगाया यहाँ पर राइट कॉर्नर ने और अपना शिकार बनाया इस रेडर को। निश्चित रूप से जंप लगाया था लेकिन दोनों पैर फंसने की वजह से यहाँ पर डिफेंस कर लिए गए और पूरा डिफेंस उनके ऊपर, रेडर हुए आउट। स्कोर आप देख सकते हैं 6-5। जी हाँ निश्चित रूप से फाइनल मुकाबला है, महामुकाबला है और इसी तरह की कांटे की टक्कर देखने की एक आशा थी दर्शकों में और वही होता हुआ। निश्चित रूप से दोनों एक ही हम उम्र युवा टीम है, दोनों का अनुभव लगभग बराबर और उसी बराबर। फिर से एक बार चेस्ट नंबर 3, जी हाँ इनके लिए 2.3 क्योंकि ये लगभग मल्टी पॉइंट के लिए जाने जाते हैं और यहाँ पर कितना, जी हाँ मात्र एक अंक, इस बार एक अंक लेके गए, नहीं तो जैसा देखने को मिलता है ये जंप के मास्टर माने जाते हैं, डुबकी किंग के रूप में मशहूर है चेस्ट नंबर 3 बर्फ के लाभ। शायद इन्हीं के ऊपर में हमारे जो दर्शक भाई हैं, जो इंदरपुर माली जी से यहाँ पर कबड्डी देखने आए हैं, इन्हीं के नाम से बर्फ के ऊपर 300 रुपए का इनामी राशि रखा था और इस टीम ने उसको जीता था और वो इनामी राशि प्राप्त किया था। यहाँ पर रिवाइवल होकर आ चुके हैं इनके स्टार रेडर, लेकिन इस बार शिकार कौन हुआ है, चेस्ट नंबर 10 सलखंड की ओर से। अब देखना है क्या ऑल आउट कर पाती है बर्फ के लाभ। यहाँ पर फिर से 3 की डिफेंस, यहाँ सुपर टेबल ऑन है, यहाँ 2 पॉइंट कमाने का सुनहरा मौका, निश्चित रूप से 2 अंक कमाने का एक सुनहरा अवसर है, लेकिन रेडर जानते हैं कोई रिस्क नहीं लेंगे, थोड़ा सा चोटिल है, अपना रेट को वैलिड किया और हल्के हल्के थोड़ा सा मंडराते हुए पूरा सेकंड लेते हुए अपना पूरा समय, संपूर्ण समय, जी हाँ फर्स्ट ओवर के कंधों पर रेटिंग का कार्यभार और हल्का रेट जानते हैं शायद आने वाला रेट या शॉर्ट रेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 का डिफेंस एक छोटा रेट किया और 2.5 रेट का वेट करते हुए टीम जानती है एडवांस टेकल के लिए नहीं जाएगी क्योंकि इस मात्र 3 ही डिफेंस है, जब तक रेडर अंदर नहीं आएगा शायद डिफेंस भी उनको डिफेंस करने की कोशिश नहीं करेंगे और रेडर भली भांति जानते हैं रिस्क लेना है तो शायद अपना 3rd रेट में लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी अपना पूरा समय लेते हुए जानते हैं उनकी टीम आगे चलती हुई 8-5 पर टीम बर्फ किला। जी हाँ तो लीजिए ये 3rd रेड जिसका इंतजार कर रही थी टीम सलखंड की जो डिफेंस है, अब यहाँ सुपर टेकल ऑन है, यदि बाजी मारते हैं रेडर तो निश्चित रूप से अंक अर्जित करेंगे, अपना आपको सेफ रखेंगे, लेकिन बाजी मारती है डिफेंस तो उन्हें मल्टी पॉइंट मिलेगा, हालांकि शिकार 1 होंगे लेकिन पॉइंट मिलेगा 2 क्योंकि यहाँ पर सुपर टेकल ऑन है, फंसा लिया है, जी हाँ बीच से और सुपर टेकल होता हुआ, जी हाँ 2 अंक सलखंड के स्कोर बोर्ड पर, जी हाँ ये भी 3rd रेट है 2.5 है, 3rd रेट 2.5 सलखंड की ओर से भी, जी हाँ 2.5 आगे कुआं पीछे खाई, सामने है सलखंड वाला ये छोटा भाई, देखना है क्या रेड पॉइंट ला पाते हैं, जी हाँ 1 अंक यहाँ पर इसको लाइन जस्ट सभी तैयार हो जाएगा और यहाँ पर पहला रेड सलखंड की ओर से, जी हाँ लेफ्ट हैंड रेडर चेस्ट नंबर 7
क्रिकेट की दुनिया में महेंद्र सिंह धोनी, ये जो जर्सी है महेंद्र सिंह धोनी के हाथों पर, फिलहाल अभी वो रिटायर है, लेकिन आईपीएल में फिर से आपको एक्शन तो दिख सकते हैं। और यहाँ पर बाजी मारी है यहाँ के धोनी ने, सलखन के धोनी ने, और एक रन दिलाए और सेकेंड हाफ में पहली बार अपने टीम को लीड पर ले गए हैं उस रेडिंग पॉइंट के बदौलत। और जैसा कि यहाँ पर एक थोड़ा सा मतगणना हो रही थी जिसमें सपोर्टर भारी मात्रा में हमारे भरम किला के पक्ष में, लेकिन सलखन को आप कम मत आकिए, वो टीम वापसी के लिए जानी जाती है जी हाँ निश्चित रूप से। और सेकेंड हाफ में अपना वो दबदबा जो है कायम कर चुके हैं, एक पॉइंट की बढ़त बना चुके हैं। अब देखना है क्या अंतिम क्षण तक उस लीड को बरकरार रख पाती है या भरम केला यहाँ से फिर से वापसी कर पाती है। जी हाँ एक बार ऑल आउट कर चुकी है टीम भरम केला, लेकिन इस बीच चार की डिफेंस है भरम केला के इस मैदान में। यहाँ पर खुद कैप्टन टेस्ट नंबर टू, जी हाँ भरम केला की ओर से रेडिंग का कार्यभार संभाले हुए, निश्चित रूप से एक बार पुनः ऑल आउट का खतरा। एक बार फिर से भरम केला को मंडाता होगा कि चार की डिफेंस है, अब देखना है क्या यहाँ से रिवाइवल करा पाते हैं या नहीं। जी हाँ छोटे कद के रेडर अपने रेट को बैलेंस किया और सहल कदमी करते हुए सलखन के मैदान में एंटी रेट और अपने कोर्ट को फिर से वापिस सुना। पहले छह गांव में चेस नंबर फाइव सलखन की सीवा रेडर, ये भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है। पिछले मैच में चोटिल होने के बावजूद भी अपने टीम के लिए सुपर रेड करके मैच बदलाव लाया। और सलखन निश्चित रूप से सेकेंड हाफ में कुछ रणनीति तैयार की है। थर्ड रेड आगे कुआ पीछे खाई, सामने है हमारे भरम केला वाले भाई, निश्चित रूप से दो और ढाई में दू करना होगा, कुछ तो करना होगा यदि आपको कोर्ट में वापिस आना है। और खुद सरेंडर करते हुए शायद मैंने बोनस की लालच में जी हाँ वन टेकल बाउट यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट मिल चुका है भरम केला को। और यहाँ पर टू अटाई और देखना है दो नहीं ढाई पीछे जा दस नंबर वाले भाई दो अंक भरम केला। जी हाँ जैसा कि रणनीति ने तैयार किया था ये टीम कम डिफेंस में खेलने की और उस रणनीति में फंसाया है रेडर को और स्कोर में इजाफा करते हुए। जी हाँ अब 11-10 जहां सलखन एक पॉइंट से सेकेंड हाफ में बढ़त बनाई थी वहीं पर इस सुपर टेकल ने बदलाव कर दिया है स्कोर बोर्ड पर। निश्चित रूप से कांटे का टक्कर जो मैं पहले ही बताया था इन दोनों के मध्य चलने वाला है और उसी के अनुसार उन्हीं से कने रूप चलता हुआ यहाँ पर बोना था पुनः भरम केला को मिलता है बेहतरीन रेडिंग का प्रदर्शन दिखाया। यहाँ पर चार की डिफेंस दोनों के टैंक के साथ एडवांस टेकल के लिए गए लेकिन अंतिम क्षण बाजी मार लिया रेडर अब मीडी लाइन के करीब किसी भी दो की डिफेंस यहाँ भी सुपर टेकल आन है। जी हाँ तमाम प्रो कबड्डी के नियम यहाँ पर लागू है और तीन या तीन से कम की डिफेंस यदि कोर्ट पर हो तो वहां सुपर टेकल ऑन माना जाता है। यदि रेडर आउट होते हैं तो निश्चित रूप से डिफेंस वाली टीम यानी कि यहाँ पर भरम केला टीम को दो अंक मिल सकता है, लेकिन रेडर ने सूझबूझ भरी खेल का प्रदर्शन दिखाया एमपी रेड करके अपने मैदान को वापिस जाते हुए स्कोर 12-12 पर अभी भी रुका हुआ। जी हाँ 12-12 और ऑल आउट का खतरा बोनस इक्वल पॉइंट। जी हाँ डिफेंस होने के पहले बोनस अटेम्प्ट कर चुके थे रेडर और यहाँ पर बोनस देते हुए 1+2 पॉइंट जी हाँ तीन अंक मिलता हुआ यहाँ पर सलखन को और स्कोर जहाँ पहुंचा है 13-16 सेकेंड हाफ तो टाइम इज ओवर ऐसा कहना है हमारे निर्णायक यानी कि आपका जो
टाइम आउट लेने का होती है वो समाप्त हो चुका, लेकिन पूरा एक बार कहता है होता है फिर से जी हाँ एडवांस के लिए अंदर गए एडवांस रेटिंग को हुक्म है अभी डीप जाकर आप पूरे डिफेंस के बीच में आप डीप नहीं जा सकते क्योंकि वो एक चक्र व्यू है और उस चक्र व्यू में यदि आप फंस गए तो काफी मुश्किल होता है वहां से निकल कर आना। और देखिए इस तुरुप की इच्छा को एक बार पुनः मैच आरम्भ होता हुआ जी हाँ हमारे ऑफिशियल लाइन जज स्कोर बोर्ड सभी तैयार हो जाए बात फिर से कच्चे वापसी करते हुए भरम किया जी हाँ आल और तो बच्चा सुना आली होती हुई और आली तो बच्चा आके हाथ एडवांस टेकल और टेकल सही साबित होता हुआ निश्चित रूप से जानती है टीम भरम किया क्योंकि उनकी टीम पिछड़ती हुई और इसी तरह से वापसी करनी होगी उनके रेडर और डिफेंस दोनों को चलने होंगे 15-17 सलकन यहाँ पर एक बार फिर से चार की डिफेंस में खेलते हुए सॉरी पांच की डिफेंस में और जाते जाते मिस अंडरस्टैंडिंग दोनों डिफेंडर के द्वारा और जी हाँ उस मुकाबला का हमें इंतजार था और इसी तरह की अपेक्षा थी फाइनल मुकाबले में यही काटे की टक्कर देखने को फाइनल मुकाबला को देखने को मिलेगा एक चक्कर था और ये एक काफी रोमांचक मुकाबला सल्फर और फरम किला हिम्मत हुई है फाइनल मुकाबला करता हुआ 17-17 की बराबरी पर हाँ वो यार जी कुछ ही शेष लगभग लगभग अरे धोरेटी कांटे के टक्कर से निश्चित रूप से यहाँ पर कांटे का टक्कर चलता हुआ 17-17 की बराबरी और यहाँ पर एक बार सलकन को फिर से ऑल आउट सफल निश्चित रूप से बना सकता है क्योंकि तीन ही खिलाड़ी शेष है और रेडिंग के कार्यभार नंबर 7 लेकिन यहाँ सुपर टेकल आउट जी हाँ तीन की डिफेंस रेडर जानते हैं एक रणनीति तैयार की है शायद थर्ड रेड पर ही खेलना चाहेगी क्योंकि दोनों की टीम बराबरी पर है। हालांकि पलड़ा मैं कहूंगा तो बरम केला का ज्यादा भारी रहेगा लेकिन फिलहाल स्कोर बोर्ड के नजरिए से देखा जाए तो दोनों बराबरी की स्थिति पर अब देखना यह है कि कौन से दो और ढाई सामने है 10 नंबर वाले भाई सलकन की ओर से काउंटिंग शुरू था लेफ्ट कॉर्नर का तीन दो बार चुका थे और तीसरी बार अब सुपर टेकल ऑन है ये भी दो और ढाई मौका है दो अंक कमाने का सलकन को कितना क्या मल्टी पॉइंट हो सकता है ऑफिशियल टाइम आउट जी हाँ खिलाड़ी आपसी बात ना करें सलकन का स्कोर कितना 19-19 की बराबरी
19-19 की बराबरी पर फाइनल मुकाबला बोरन किला वर्सेस सल्तन जिहा अंडर-19 टूर्नामेंट यहां पर छोटा पारा के तत्वाधान में। और आप देख सकते हैं सुपर टेबल आने की बाजी बारी है टीम।